जरा देखिए डिरेक ओब्रायन पुलिस के साथ टकराव के दौरान कैसे गिर पड़े। ये तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं, टीएमसी सांसद कैसे गिर पड़े। हालांकि कई सांसदों के साथ कार्यकर्ता मौजूद हैं और जब वहां पर पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो वो गिर पड़े। अब इन तस्वीरों को जरा ध्यान से देखिए, अब आप खुद समझ जाएंगे कि कैसे राजनीतिक जमीन को तलाशते हुए, अपनी राजनीतिक रोटियों को सेकते हुए अब टीएमसी हाथरस पहुंचने की कोशिश में टीएमसी के सांसद डिरेक ओब्रायन और तमाम कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं। पुलिस के साथ झड़प, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर के चलते पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो वहां पर कानून व्यवस्था का ख्याल रखे। लेकिन बड़ी संख्या में जो विरोधी दल है उनके कार्यकर्ता, कुछ सांसदों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। ये ताजा तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। हालांकि इसमें आपको बहुत अंतर नजर इसलिए नहीं आएगा, कल एक ऐसी ही तस्वीर आपने राहुल गांधी की देखी थी जब वो गिर पड़े थे, तो अंदाज बहुत ज्यादा जुदा नहीं है। आप देखिए इन तस्वीरों को कि जब पुलिस उन्हें रोकती है कि आप अब अंदर नहीं जा सकते, धारा 144 लागू है, पुलिस बल की तैनाती वहां पर है, पुलिस बल की संख्या को वहां पर बढ़ाया गया। अब ये दो तस्वीरें जरा आप देखिए, कल राहुल गांधी गिरे थे और आज डिरेक ओब्रायन गिर गए हैं। ये राहुल का ड्रामा और ये डिरेक का ड्रामा। हम क्यों ड्रामा इसे कह रहे हैं, आप खुद समझदार हैं, तस्वीरों को परख सकते हैं। जी न्यूज पर दो तस्वीरें आपके सामने हैं, आप ये अंदाज देखिए, इनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए और ये सोचिए कि क्या वाकई हाथरस की बेटी के परिवार की चिंता है इन नेताओं को, या अपनी राजनीति की खोती हुई जमीन को तलाशने का ये एक अवसर है। विशाल पांडे मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं मेरे साथ। विशाल, दो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, डिरेक का ड्रामा और कल जो राहुल ने किया, वो बहुत अंतर नहीं है दोनों में? देखिए पयोधी, क्योंकि हाथरस में जो घटना हुई है, जो लड़की थी उसकी मौत हो चुकी है, उसके बाद से लगातार राजनीतिक दल इस मुद्दे को उठाते जा रहे हैं और प्रदर्शन की होड़ लगी हुई है। कल राहुल गांधी, आज टीएमसी के डेरे को ब्रायन पुलिस के सामने भिड़ते हुए आपको नजर आएंगे और इस दौरान ये गिरते हुए भी दिखाई पड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं विपक्ष इस वक्त इस मुद्दे को उठाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये जो मुद्दा है लगातार इसमें जिस तरह से पहले लीपापोती की गई थी, अलग अलग पक्ष रखे गए थे, वो खुद ऐसे मौके सरकार की तरफ से और प्रशासन की तरफ से विपक्ष को दिए गए, जिसकी वजह से विपक्ष को ये प्रदर्शन करना पड़ रहा है, क्योंकि इसमें अलग अलग पक्ष लगातार रखे जा रहे थे। अभी कल ही यूपी पुलिस की तरफ से कहा गया है कि रेप और गैंगरेप जैसा कोई भी पुष्टि नहीं हुई, जो तमाम रिपोर्ट्स आई है, लड़की की मौत हुई है, उसको चोटें आई थी, तो ये एक ऐसा मुद्दा बन गया जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी योगी आदित्यनाथ से बातचीत की थी, क्योंकि विपक्ष लगातार बेटी बचाओ के नारे को लेकर ही प्रदर्शन कर रहा है इस वक्त। और अब अगर आप ये तस्वीरें देखेंगे, कल राहुल गांधी और डेरेक ओब्रायन ने क्या कहा वो भी सुनवा देते हैं। इट्स नॉट द टाइम टू डू पॉलिटिक्स, वी हैव कम हियर Four MPs, you have seen what has happened. Check the visuals, then ask the questions. Check. Don't do politics here. Don't do politics here. This is a sacred place. This is a sacred place. We want to walk 1 kilometer down. The male, ask the questions. Ask these three questions. Why ask these three? Let me finish. Why was a senior official from UP allowed to push my Lok Sabha MP on the ground? Ask the UP government this question. One. Two. Ask the UP government, were any of the MPs armed? We wanted to walk. We've traveled 1,500 kilometers. We wanted to walk there. Ask the UP government. Ask Ajay Bisht and his two leaders sitting in Delhi. तो डिरेक ओब्रायन दरअसल गुस्से में है, हालांकि गुस्सा लाजमी है, गिर जो पड़े हैं, और उन्होंने मीडिया के इससे सवाल पूछने पर भी गुस्सा दिखाते हुए कह दिया कि पहले विजुअल देखिए और देखिए मेरे साथ क्या हुआ है, फिर उसके बाद सवाल पूछने आइएगा। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप, अवेलेबल ऑन Google Play एंड App Store. डाउनलोड इट नाउ।